हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ स्प्रिंग रोल की रेसिपी, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आती है और बारिश में तो सबको बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ। स्प्रिंग रोल की शीट बनाने के लिए हमें यहाँ पर परफेक्ट मेजरमेंट को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया है, देखिए गाइस, 120 ml मैदा लिया है हमने। तो आप इसमें मेजरमेंट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो उसके हिसाब से अगर आप 100 ग्राम मैदा ले रहे हो तो आपको 75 ग्राम आपको कॉर्नफ्लोर लेना है, कॉर्न स्टार्च। तो यहाँ पर मैंने 120 ग्राम मैदा लिया है, तो यहाँ पर मैं 60 ml का और एक 30 ml का 90 ml कॉर्नफ्लोर लूँगी। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, बिल्कुल मतलब ज़्यादा नमक नहीं डालना है हमें, बिल्कुल थोड़ा नमक डालना है क्योंकि फीलिंग में भी सॉल्ट आएगा। तो अब हमें उसी मेजरमेंट के हिसाब से पानी लेना है। तो हमने 120 ml हमने मैदा लिया था, तो उसका डबल क्वांटिटी में हम पानी लेंगे। तो मैं एक बार इसमें इतना पानी डालती हूँ, फिर हमें और डालना होगा, बट हम इतना डाल के मिक्स करेंगे ताकि हमारे बैटर में ना, शीट के बैटर में लम्स ना आए, फिर हम लोग और पानी ऐड करेंगे। हमें इस तरह से लम्स फ्री करना है हमारे बैटर को। थोड़ा टाइम लगेगा मगर हमें पूरे, क्योंकि कॉर्न स्टार्च डाला है ना हमने, कॉर्न स्टार्च में बहुत जल्दी लम्स आ जाते हैं। तो हमें इस तरीके से थोड़ा अच्छे से चलाते हुए सारे लम्स निकाल लेने हैं, फिर हम और पानी ऐड करेंगे इसमें। देखिए गाइस, हमने इसे 2 से 4 मिनट तक अच्छे से चलाया है और हमने इसे लम्स फ्री कर लिया है हमारे बैटर को। अब हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। हमने पहले लिया था 240 ml पानी और अब हम ऐड करेंगे 120 ml और पानी। हमें ना इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा पतली रखनी है। देखिए गाइस, हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी। तो चलिए अब हम शीट बनाते हैं। शीट बनाने से पहले हमें क्या करना है, हमें एक प्लेट लेनी है और उस पर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर छिड़क देंगे, जिससे कि हमारी शीट थाली को चिपके ना, क्योंकि बहुत पतली बन रही है हमारी शीट तो थाली को चिपक सकती है। तो आपको एक साइड में आप कॉर्नफ्लोर ले लीजिए एक कटोरी में, और एक एक शीट के ऊपर हम फिर थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर ऐड करते जाएंगे ताकि हमारी शीट्स जो हैं एक दूसरे से चिपके ना। तो चलिए अब हम शीट बनाते। तो हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, आप डोसे का जो नॉनस्टिक तवा होता है ना, आप वो भी ले सकते हो। मैं पैन ले रही हूँ, ये साइज़ परफेक्ट है गाइज़। अगर आपके पास ये साइज़ का पैन है तो आप यही यूज़ कीजिए। अब हम पैन में हमारी शीट का बैटर डालेंगे और इसे अच्छे से घुमाएंगे और बाकी का हम निकाल देंगे। तो देखिए गाइज़, जब हमारी शीट तैयार होने लगती है तो इस तरीके से किनारे छोड़ देती है। हमें क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली किनारों को पकड़ कर इसे निकालना है। हमें अपना हाथ नहीं जलाना है, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली हमें इसे नाजुक करना है। देखिए गाइज, हमें साइड से पकड़ के धीरे से हमें इस तरह से हमारी शीट निकाल लेनी है। देखिए ये बहुत ही इजीली निकल जा रही है। हमें इसी तरीके से सारे शीट्स बना लेने हैं। देखिए गाइज कितनी अच्छी बनी है हमारी शीट। देखिए गाइज, हमने उसी तरीके से 7-8 शीट बना ली है। हमें हर एक शीट के बीच में कॉर्नफ्लोर डालना है ताकि हमारे शीट चिपके ना। देखिए गाइज कितना इजीली एक दूसरे से रिमूव हो रही हैं हमारे शीट्स, देखिए। तो चलिए अब हम इसकी फीलिंग बनाते हैं। तो हमारे स्प्रिंग रोल की फीलिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और हम उसमें बिल्कुल ही थोड़ा सा तेल डालेंगे, क्योंकि हमें ये फ्राई करना है तो हम अभी ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा तेल हम यूज़ करेंगे और हम उसमें डाल देंगे बारीक लहसुन हमने चॉप की है। लहसुन हमारा सॉटे हो रहा है तभी हम डालेंगे थोड़ी सी प्याज जो कि हमने बारीक चॉप कर ली है। हमारी ऑनियन थोड़ी थोड़ी सॉटे हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे शेजवान सॉस जो कि मैंने घर में बनाया है और मैंने इसकी रेसिपी भी दी हुई है गाइस। अब हम इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे
इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से कैरेट्स जो कि हमने फाइनली पतले पतले चॉप कर लिए हैं, थोड़े से बीन्स। इसमें आप कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हो, मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, आप इसमें कैप्सिकम भी यूज़ कर लीजिए। अब हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे। यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी हम लोग काली मिर्च यूज़ करेंगे, एक स्पून हम इसमें रेड चिल्ली सॉस डालेंगे। हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा 2 से 3 मिनट हम इसे पकाने के बाद इसमें हम लोग कैबेज ऐड करेंगे। अब हम इसमें कैबेज ऐड करेंगे जो कि हमने बहुत ही फाइनली चॉप कर लिए है बारीक बारीक। अगर आपको कैबेज पसंद नहीं है तो आप नूडल्स यूज़ कीजिए, मगर कैबेज बहुत ज़रूरी है। और बस हम इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि कैबेज बहुत जल्दी पक जाती है गाइस, इसीलिए हमने कैबेज को लास्ट में डाला है। हम इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे और 1 से 2 मिनट पकाएंगे बस। देखिए गाइस, हमने इसे अच्छे से पका लिया है। अब हमें कैबेज को ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि वो पानी छोड़ देगी, फिर हमारे स्प्रिंग रोल उतने क्रिस्पी क्रंची नहीं बनेंगे। अब हम इसे इंस्टेंट हम इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा होने रखेंगे। हमने यहाँ पर शीट ले ली है, हमने क्या किया है, जहाँ पर कॉर्नस्टार्च लगाया था ना वो हमने बाहर रखा है, और एक्स्ट्रा का कॉर्नस्टार्च आप निकाल दीजिए। अब हम इसमें हमारी फिलिंग लगाएंगे। हम इस तरह से हमारी फिलिंग लगाएंगे और अब हमें क्या करना है, दोनों साइड से इस तरह पैक कर देना है, नहीं तो हमारी स्प्रिंग रोल साइड से हमारी सब्जी निकल जाएगी और उसमें अंदर तेल चला जाएगा। हमें दोनों साइड से पैक करते हुए इस तरह हमें रोल करते रहना है। अब हम यहाँ पर हमने जो मैदे की स्लरी बनाई है ना, हम वो लगा लेंगे कॉर्नर्स पर। देखिए गाइस, हम इस तरह से सारे हमारे स्प्रिंग रोल तैयार कर लेंगे। देखिए गाइस, साइड से भी हमारी स्प्रिंग रोल कवर हो गई है। हमें इसी तरीके से सारे हमारे स्प्रिंग रोल रेडी कर लेने हैं। यहाँ पर हमने एक पैन में तेल ले लिया है और हमने इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर गर्म किया है। अब हमने जो हमारे स्प्रिंग रोल रेडी किए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पर ही फ्राई होने देंगे। देखिए गाइस, कितने अच्छे से हमारे स्प्रिंग रोल फ्राई हो रहे हैं। देखिए गाइस, बहुत अच्छे से हमारे स्प्रिंग रोल फ्राई हो गए हैं। वो एक ऐसा हो गया है बट उतना तो चलता है चलता है। चलिए अब हम इसे निकाल लेंगे। कितने डिलीशियस लग रहे हैं गाइस। तो देखिए गाइस, हमारे स्प्रिंग रोल बनके रेडी हो गए हैं। आप देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं हमारे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कड़क बने हैं हमारे, क्रिस्पी क्रंची। तो चलिए अब मैं आपको एक खा के बताती हूँ कैसे बने हैं। देखिए गाइस, फीलिंग भी कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छे से फ्राई हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे हमारे स्प्रिंग रोल बन के रेडी हुए हैं गाइस। बारिश के मौसम में हमें बच्चों को बाहर का खिलाना तो होता नहीं है, तो आप भी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।